मेहरबान कदरदान, मेरा नाम है रोहन कृष्ण चौहान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरकेसी व्लॉग्स। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ब्रेकफास्ट में आप क्या क्या खा सकते हैं वर्कआउट के बाद, मॉर्निंग वर्कआउट के बाद आप क्या क्या खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताऊँ कि ब्रेकफास्ट में मैं क्या क्या खाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कॉर्नफ्लेक्स, ठीक है। कॉर्नफ्लेक्स में ले लेता हूँ, ये कुछ इस तरीके की पैकिंग में आता है, ठीक है। कॉर्नफ्लेक्स ये है मोहन कॉर्नफ्लेक्स, ठीक है। तो इसको आपको एक बाउल में निकाल लेना है हाफ, उसके बाद आपको उसमें गरम दूध उबला हुआ, ठीक है, उसमें डालना है। तो मैं इसको चम्मच से इसकी मलाई रोक लेता हूँ, क्योंकि मलाई में खाता नहीं, उससे थोड़ा फैट हो जाता है। तो मैं इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैंने दूध डाल दिया इसमें, दूध डालने वाला इसमें मिक्स कर लेता हूँ। इसमें आप चीनी भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं ओट्स लेता हूँ, ठीक है। मैं इस दूध को इधर रख देता हूँ। तो आपको मैं दिखाता हूँ मैं ओट्स कौन से लेता हूँ, ठीक है। ये है ओट्स, इको वैली हेल्दी ओट्स, ठीक है। मैं ये लेता हूँ, ये आपको पड़ जाता है 500 ग्राम का, 115 रुपए का, ठीक है। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ। आपको करना क्या है, एक बर्तन में आपको इसको लेना है, ठीक है। मैं पहले बर्तन निकाल लेता हूँ इसका। तो इस टाइप का कुछ मैंने बर्तन निकाल लिया, ठीक है। तो इसमें मैं ओट्स डाल देता हूँ, ठीक है। तो आपको ज्यादा ओट्स नहीं डालने, अपने हिसाब से जितना आप खाते हो ज्यादा नहीं डालना। मैंने इसमें इतने ओट्स डाल दिए, ठीक है, देख सकते हैं आप। थोड़े और डाल देता हूँ, इसको बंद करके रखता हूँ। ये डालने के बाद इसमें मैं थोड़ी चीनी डाल देता हूँ, क्योंकि इसमें फ्लेवर नहीं होता कोई, तो थोड़ा मिठास आया थी इसमें, ठीक है। तो थोड़ी मैं चीनी डाल देता हूँ, मैंने इसमें थोड़ी चीनी भी डाल दी, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा पानी मिला देता हूँ, फिर उसको मैं गर्म करूंगा, ठीक है। तो आपको ज्यादा पानी नहीं मिलाना है इसमें, बस थोड़ा सा पानी मिलाना है, ठीक है। ये देखिए मैंने इसमें मिला लिया पानी, अब मैं इसको गैस पर रख देता हूँ, ठीक है। पहले मैं गैस जला लेता हूँ, तो पहले मैं गैस जला रहा हूँ, ठीक है। तो गैस जला लिया मैंने इसको फुल कर दिया है ताकि ये जल्दी हो जाए, ठीक है। और आपको करना क्या है, आपको एक स्पून लेना है, ठीक है। स्पून से आपको क्या करना है, इसको जब भी थोड़ा गर्म हो जाए हल्का सा, तो ये हल्के हल्के मूव करने जाएगा अंदर ही। तो आपको करना है इसको हल्के हल्के ऐसे इसको मिक्स करना है, ठीक है। आपको हल्का हल्के मिक्स करना है इसे, और आपको इसको तब तक पकाना है जब तक इसका पानी खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। और आप इसलिए मिक्स करोगे इसको क्योंकि इसमें जो चीनी है ना वो मिक्स हो जाएगी अच्छे से। और अगर आपने चैनल को लाइक नहीं कराया, लाइक करो और कमेंट करो और सब्सक्राइब करवाओ सबको यार, आप भी करो। आपको मैं बहुत बड़े बड़े वीडियो दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं ये हो चुका है, ठीक है। ये इस टाइप का दिख रहा है, कुछ इस टाइप का दिख रहा है, ठीक है। इसमें पानी खत्म हो चुका है बिल्कुल। तो मैं इसको छोटे बाउल में निकाल लेता हूं। इसको अब अच्छे से निकालेगा ना, ये चिपक जाता है बिल्कुल इसमें।
मैंने ये दो चीजें तो तैयार कर ली हैं, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये दो चीजें, ठीक है, एक है कॉर्नफ्लेक्स और एक है ओट्स, ठीक है। तो और इसके साथ मैं क्या लेता हूँ, मैं दो बनाना लेता हूँ, ठीक है, दो केले। तो मैं इसको लेके चलता हूँ ड्राइंग रूम में, खाएंगे हम, ठीक है। तो मैं लाइट खोल लेता हूँ, थोड़ा मैं एक गेट भी खोल लेता हूँ, इससे थोड़ी लाइट आएगी। तो डेली का नाश्ता मैं यही करता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ये है मेरा ब्रेकफास्ट। मैं डेली मॉर्निंग में ऐसे ही ब्रेकफास्ट करता हूँ, बस संडे को मैं नहीं करता हूँ ब्रेकफास्ट। संडे को मैं थोड़ा, मेरा चीट डे हो जाता है, ठीक है। तो देखो आप, ये मेरा ब्रेकफास्ट, ये दो बनानाज है, ठीक है, ये कॉर्नफ्लेक्स, ये ओट्स है और ये कॉर्नफ्लेक्स है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें बिना मत जाना, और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि बाहर क्या चल रहा है।